जितना भी हमारा एप्पल निकलता है उसका 70% अलोन हमारी ये जम्मू कश्मीर उड़ा रहा है, पैदा कर रहा है। जो आज का यहाँ ये अवेयरनेस कैंप चल रहा है जिसका इनका हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग एरिया मार्केटिंग अफसर जजना गांधरबल ने यहाँ इनका किया है। ये एक अच्छा कदम है जो डिपार्टमेंट ने उठाया है, क्योंकि उन्होंने पिछले महीने में भी एक अवेयरनेस कैंप यहाँ किया है। इन कैंपों से हमें ये जानकारी मिल रही है, ग्रोवरों को, जमींदारों को, बागवानों को एक पूरी जानकारी मिल रही है कि डिपार्टमेंट के पास कौन कौन सी स्कीम है। एक तो स्कीमों के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल रही है, दूसरी मतलब इसमें हमें ग्रेडिंग के बारे में जानकारी मिल गई है, जो इनके वहाँ मतलब मार्केटिंग इंस्पेक्टर साहबान होते हैं मतलब वो इसके लिए एक मतलब जानकारी फराहम कर रहे हैं कि कैसे हमारे अपने एप्पल को ग्रेड करना है, चाहे वो चेरी है, चाहे प्लम है, एप्रिकॉट है, पियर है, जो भी है, इसके बारे में हमें एक अच्छी जानकारी वहाँ मिली है। और मार्केटिंग के बारे में मतलब मार्केट फैसिलिटीज क्या क्या है, कहाँ क्या सहूलियत है, ये एक अच्छा कदम है जो मतलब डिपार्टमेंट ने उठाया है। तो आज का प्रोग्राम जो था ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एरिया मार्केटिंग ऑफिस गांधरबल की वसादत से हुआ यहाँ सजना मंडी में, जहाँ पे थ्रस्ट था प्री पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे, जो हमारा मैंडेट है। और ज़्यादा हमने इसमें जो हमारा नया सरकार की तरफ से एक HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुआ है, उसमें एक प्रोजेक्ट आया हुआ है स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो हमारा थ्रस्ट रहा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सारी इंडस्ट्री का, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए जो भी हमारी स्कीम्स सरकार आइंदा 5 साल के लिए उन्होंने उस प्रोजेक्ट में रखी है, उसके बारे में ग्रोवर्स को अवेयर करना।